अजवाइन बहुत ही औषधीय गुण से भरपूर है। आज हम इसके सर्दी और जुकाम के लिए इसके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसे सूंघने मात्र से सर्दी और सिर की पीड़ा और नाक में कफ जमा रहता है वह दूर हो जाता है और नाक से अच्छी तरह से सांस आने लगती है। इसके लिए हमें अजवाइन को ले लेना है और उसे साफ करके अच्छे से उसे चूर्ण बना लेना है कूट के। इस चूर्ण को हमें एक सूती कपड़े में लपेट लेना, पुटली की तरह अंदर में अजवाइन भर के उसे पुटली की तरह हमें लपेट लेना है और इसके बाद उसे सूंघना है। इसको सूंघने से जुखाम ठीक होती है और सिर की पीड़ा दूर होती है तथा नासिका में कफ का रुक जाना आदि दोष दूर हो जाता है तथा मस्तिष्क के कृमि भी नष्ट हो जाते हैं। नाक जाम होने के कारण बहुत ही परेशानी होती है और सिर दर्द होता है सर्दी में अक्सर, क्योंकि उसमें नाक जाम हो जाता है जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है और सिर भी दर्द देने लगता है। इसके लिए इसे इसी प्रकार से अजवाइन का चूर्ण बना के उसकी पुटली बना के इसको सूंघने मात्र से नाक से जो जाम रहता है, नाक में जो कफ रहता है वह दूर हो जाता है, पिघल के बाहर निकल जाता है और नाक खुल जाता है, जिससे सिर दर्द ठीक हो जाता है और सांस अच्छे तरीक़े से आने लगती है और जुकाम भी ठीक हो जाता है। नमस्कार, जय हिंद।